अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कश्मीरी चिकन की रेसिपी। यह रेसिपी और सारी चिकन रेसिपीज से ज़्यादा इजी है बनाने में, तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 मीडियम साइज ऑनियन को हम कट कर लेंगे। सात आठ काजू, खसखस 1.5 चम्मच और 4 मगज 2 चम्मच, ये सब मिलाकर के हम पीस लेंगे। हमने यह सब मसालों को पीस लिया है, अब हम इसे चिकन में मिला देंगे। हमने आधा किलो चिकन लिया था जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था, अब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। हमने अभी जो मसाले पीसे इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम आधी कटोरी दही, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। हमने सारे मसालों को इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर हम हल्का गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। गैस हमने स्लो ही रखना है। हमने सारा चिकन कढ़ाई में डाल दिया है, अब हम इसमें एक छोटा कप दूध डालेंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें 4 मिर्च छोटी छोटी ऐड कर देंगे बीच से कट करके। अब हम इसे मिला देंगे। और ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हम इसे ओपन करके चलाएंगे। चिकन
चिकन हमारा लो फ्लेम पर पक रहा है। इसे चला करके हम फिर से ढकेंगे और फिर से 5 मिनट बाद हम ओपन करके देखेंगे ढक्कन को। मसाले से तेल अलग होने लगा है। हमें इसे ढक करके 4-5 मिनट तक और पकाना है, उसके बाद हम ओपन करके देखेंगे। चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हमें इसमें 2 बूंद मीठी इत्र डाल देनी है। और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से पक चुका है, मसालों से तेल अलग हो चुका है। यह देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यह बनाने में तो बहुत इजी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। चिकन हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।